हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। बहुत बार ये टर्म शायद आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी या कहीं देखी होगी। बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि ट्रांसशिपमेंट किसे बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ में बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, इसमें ये ट्रांसशिपमेंट वर्ड क्या होता है। ऐसा है दोस्तों, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं, ऑब्वियसली ज्यादातर प्रोडक्ट बाय शिप ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं या इंपोर्ट करवाए जाते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने यहां से गुड्स किसी कंट्री में भेजना है, या मैं ये कहूं वो कंट्री बहुत ही छोटी है, वो कंट्री एक आइलैंड है। जैसे बहुत सी छोटी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जैसे वेटिकन सिटी हो गया, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, तो ऐसे बहुत सी कंट्रीज बहुत छोटी हैं जहां पे आपको बड़े पोर्ट्स नहीं होते, जहां पे शिप जाता ही नहीं है। देखिए, सोचिए इतना बड़ा शिप है तो वो पोर्ट पे जाएगा, इतने से आइलैंड को या एक छोटी कंट्री में अगर आपको डिलीवरी देनी हो तो वो कैसे जाएगा, या मैं कहूं उस कंट्री पे कैसे रुकेगा और कैसे माल अनलोड या लोडिंग होगी। भाई, एक छोटा सा देश है, इतना बड़ा शिप है, या मान के चलिए कि शिप ही कंट्री से भी ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब अगर मुझे छोटे छोटे देशों में एक्सपोर्ट करना है तो क्या होता है, आधे रास्ते बड़े शिप से माल जाता है और उसके बाद उस शिप से जो आपका कंटेनर या जो आपका गुड्स है दूसरी शिप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी एक शिप से दूसरी शिप में मैं गुड्स को लोड कर देता हूं, इसको भी आप ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि छोटा शिप में लोड हो रहा है या छोटी बोट में लोड हो रहा है, हो सकता है बड़ी शिप में भी लोड हो सकता है। सपोज कीजिए आप फ्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट से कहीं जाते हैं, जैसे सपोज करो अगर मुझे दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जाना है और दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट नहीं है, तो कई बार क्या होता है, दिल्ली से हैदराबाद होती हुई फ्लाइट जाती है। ऐसे ही ट्रांसशिपमेंट में आप किसी कंट्री में अगर शिप नहीं जाता तो एक जगह एक कंट्री तक दूसरा शिप चला जाता है और वहां से शिप से दूसरे शिप पे गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, गुड्स को लोड किया जाता है और वो दूसरा शिप उस कंट्री के आगे माल डिलीवर करने के लिए चला जाता है गुड्स को लेके। कोई डाउट या क्वेश्चन या कुछ समझ आया या नहीं आया, बताइए, आया ना समझ? तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, यानी एक शिप से जब दूसरे शिप पे गुड्स लोड होके चला जाता है, एक कैरियर से या एक वेसल से दूसरे शिप पे गुड्स लोड होके जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। यहाँ पे दो शिप्स का, दो कैरियर और दो वेसल का यूज हो रहा है किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, ये है ट्रांसशिपमेंट। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं प्री शिपमेंट के बारे में। व्हाट इज प्री शिपमेंट? देखिए दोस्तों, आमतौर पे प्री शिपमेंट यूज फाइनेंस के लिए होता है, जैसे प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, यानी अगर आपको लोन लेना है तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट का यूज वहां पे होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कहूं मुझे प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना है तो इसका मतलब मुझे शिपमेंट से पहले लोन की आवश्यकता है, लोन की रिक्वायरमेंट है। अब शिपमेंट से पहले, इसका मतलब प्री शिपमेंट, यार क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। आप खुद सोचिए, आप जब अपना सिम कार्ड रिचार्ज कराते हैं तो वही तो होता है ना, प्रीपेड और पोस्टपेड। याद करिए, जब आप अपना कार्ड रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड कार्ड और पोस्टपेड कार्ड दोनों में क्या फर्क है? प्रीपेड मतलब मैंने पहले पैसे देने हैं, पोस्टपेड मतलब मैंने बाद में पैसे देने हैं। प्रीपेड कार्ड में आप सबसे पहले पैसे देते हैं और उसके बाद रिचार्ज होता है, और पोस्टपेड में पहले आप कॉलिंग कर लेते हैं और बाद में बिल आता है। प्री और पोस्ट, कोई कंफ्यूजन?
देखिए दोस्तों, सिंपल है, प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट से पहले, और अगर मैं बात करूं व्हाट इज पोस्ट शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट का मतलब होता है शिपमेंट के बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट ये फिनेंस और लोन के लिए यूज होते हैं ये वर्ड, कि आपको शिपमेंट से पहले फिनेंस लेना है या शिपमेंट के बाद फिनेंस लेना है। अगर आप शिपमेंट से पहले लोन लेते हैं तो उसे बोला जाता है प्री शिपमेंट फिनेंस, और अगर शिपमेंट के बाद लोन अप्लाई करते हैं तो उसे बोला जाता है पोस्ट शिपमेंट फिनेंस। दोस्तों कोई भी डाउट क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में #AskCareerGuru टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और मेरी रिक्वेस्ट है यार, शेयर जरूर करो वीडियो को, ताकि दुनिया को भी नॉलेज मिल सके, दुनिया भी एक्सपोर्ट कर सके, हमारे यहाँ पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोग पैसा कमा सके और खुशहाल रह सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।